नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बॉय सेल्स अ पेंडुलम इन हैंड स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा द पेंडुलम विल हैंग एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल सो दैट और टेन थीटा और हमें आर ओमेगा जी के बीच में रिलेशनशिप बतानी क्या होगा ना हो ये रहा है इस सवाल में कि ये आपका सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऐसे करके ये प्लेटफॉर्म ओमेगा से ऐसे घूम रहा है यहाँ आपका एक नन्ना बालक खड़ा हुआ है और इस बालक के हाथ में एक पेंडुलम है जो क्योंकि ये ओमेगा से घूमने लगा है पेंडुलम इस पेंडुलम का वर्टिकल से एक सर्टेन एंगल आ जाएगा थीटा अलग हमें इस थीटा के बारे में और ओमेगा और आल के बारे में रिलेशनशिप बताना है क्या होएगा न इस पेंडुलम को अगर हम इसका एफ बी तो यह आपका स्नैरियो या आपके हॉरिजोंटल और वर्टिकल डायरेक्शन हो गए पेंडुलम ऐसे करके किसी एंगल थीटा पे यहाँ पे ऐसे रोटेट कर जाएगा यहाँ से थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा अगर इस पेंडुलम के हम एफ बी डी बनाएं तो इसका नीचे फोर्स लग रहा है एम जी और यहाँ पे आपके टेंशन के दो कंपोनेंट आ जाएंगे ये आपकी टेंशन यहाँ पे टी इस डायरेक्शन में लग रही है इस टेंशन के दो कंपोनेंट आ जाएंगे ये आपका ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा सो तो ये कंपोनेंट विल बी इक्वल टू टी कॉस थीटा नाउ यहाँ पे आपका Uh, जो सेंट्रीपिटल फोर्स अब ये क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो एफ सी होएगा वो यहाँ पे आपका टी साइन थीटा विल प्रोवाइड यहाँ पे uh, जो आपका एफ सी होएगा दैट विल बी इक्वल टू टी साइन थीटा और वो आपको नेसेसरली आपका uh, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू एम इसको हम लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर ठीक है और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये होएगा आपका इसको हम लिख सकते हैं एम ए सी विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर ना ये तो आपकी एक इक्वेशन बन गई टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर दूसरी इक्वेशन जो आपकी बनेगी उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी यह आपकी इक्वेशन नंबर टू हो गई सो वर्टिकल और हॉजोंटल डायरेक्शन में इक्वेशन हो गई इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन वन को डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू तो लेफ्ट हैंड साइड में टी आपका उड़ जाएगा ये बनेगा आपका टेन थीटा विल बी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी सो ये आपका रिलेशनशिप है जो यहाँ पे होल्ड करेगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर थ्री टेन थीटा आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया